देखिए, ये सरकार द्वारा ये प्रायोजित किया जा रहा है, जो 2002 में डोमिसाइल हुआ था, वो सरकार फिर से चाह रही है पूरे झारखंड को उसी आग में ढकेलने का। 2002 में जो डोमिसाइल हुआ था उसमें भी हम लड़ने नहीं गए थे, हम लोग घर में थे, वो लोग लड़ने आए थे। इसका फल क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, सभी लोग जानते हैं। तो अगर जैसे हम तो पहले बात की गांधीवादी तरीके से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हम गांधीवादी तरीके से अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं हमें अधिकार देगी तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह बनने में भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जब हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, हमारा अधिकार ही नहीं मिलेगा, तो फिर क्या जीवन क्या मरण, उसकी चिंता तो हमें कतई नहीं है। और जो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग तो हरे हथियार के साथ उतरेंगे, तो वो उनका सोचना है, हम लोग तो पहले हाथ जोड़कर अपना अधिकार मांग रहे हैं। अधिकार नहीं मिलेगा तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह की बात मैंने कही दी कि वो बनने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यही बात समझिए कि जितने ये आंदोलनकारी हैं, मेरे मित्र मेरे बंधु, उनका जन्म किस राज्य में हुआ? उनका भी जन्म तो बिहार मूल का ही है। जब झारखंड अलग हुआ तो उस समय तो ये नहीं था कि भोजपुरी बोलने वाले यहाँ रहेंगे, मगही बोलने वाले यहाँ रहेंगे, और ये यहाँ का भाषा बोलने वाले लोग यहाँ रहेंगे। हम भी तो 50 साल से हैं रांची में। वाजपेयी जी के सपनों का झारखंड को धूमिल कर दिया हेमंत सोरेन ने। जिस आशा और अपेक्षा से झारखंड बना था, वो आशा अपेक्षा तो पहले बाबूलाल मरांडी ने धूमिल किया। आज उनकी क्या स्थिति है कि दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। कहते थे कि चार मीनार कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, थूक के चाट रहे हैं। वही स्थिति अबुआ के, जो बबुआ है ना, अबुआ राज के बबुआ बोलते हैं ना कि माटी की पार्टी है, ये अपनी पार्टी को माटी में मिला देंगे। इनका जो तरीका है वोट बैंक के लिए की जो राजनीति कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर अपनी पार्टी को माटी में मिलाने के लिए ही प्रयासरत हैं और कुछ नहीं। लेकिन पाव करवाते हैं उसी के लिए तो प्रयासरत हैं, उसी के लिए तो हेमंत जी प्रयासरत है, क्योंकि 2 साल में तो शिक्षा रोजगार हर मामले में फेल रहा। अभी ये लोग बोल रहे हैं 32 का खतियान लागू करने के लिए कि हमको रोजगार मिलेगा। रोजगार ये कह रहा है कि रोजगार मिलेगा, हर साल तो 5 लाख रोजगार देने का वादा किए थे ना, दे कह रहे हैं, बस उसी मामले को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि ये कुछ कर नहीं पाए, इनकी कार्यशैली ऐसी कि आगे कुछ कर भी नहीं पाएंगे, उसी मामले को डाइवर्ट करने के लिए ये 32 के खतियान का सुनियोजित साजिश रच रहा। आप मुझे ये बताइए ना, जितने ये सुदेश महतो आज इतना दिन तक सोए हुए थे, आज उठ गए कि हमको 32 का खतियान लगना चाहिए, उनका पीए कौन है, कौन सा भाषा बोलने वाला है? मुख्यमंत्री के अगल बगल जो लोग हैं, आप सचिव और प्रेस सलाहकार, कौन से भाषा बोलने वाले लोग हैं? ये चाहे आप बाबूलाल मरांडी को ले लीजिए, सारा ब्यूरोक्रेट्स, कौन से भाषा बोलने वाला? मैं तो बोलता हूँ ना कि आप 32 खतियान को आपके लिए आदेश पारित कर दीजिए कि भोजपुरी मगही जिनका लैंग्वेज है और जो लोग मतलब कि 32 का खतियान धारक नहीं है, उसके खिलाफ आप झारखंड चला के दिखा दीजिए। हेमंत जी, आपकी छाती पे मूंग दलेंगे हम लोग, कहीं जाने वाले नहीं हैं। अब 32 का देश आज़ाद हुआ 1947 में, खतियान चाहिए 32 का। ये सिर्फ आग लगाने का प्रयास और झारखंड को पीछे ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ नहीं। क्या अपील रहेगी? अपील क्या, तो आप सभी लोग तो अपने अधिकार को लेकर सजग है। आज की डेट में किसी को अपील का, सभी लोग मीडिया से सोशल मीडिया से इतने वाकिफ हो गए, अपने अधिकार को लेकर सजग है। बस एक चिंगारी लगनी बाकी है, चिंगारी लग जाएगी तो उसके बाद हेमंत जी को पता चल जाएगा कि जनभावना के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं ना, तो उन्हें पता चल जाएगा कि क्या हम में क्या ताकत है। जिस दिन चाहेंगे, और आज भी कह रहे हैं कि हम लोग अपने अंदर अंदर तैयारी कर रहे हैं, बाधित कर देंगे पूरे रांची को, जहां वो बैठ के सरकार चला रहे हैं ना, और जिस विधानसभा में बैठ के बहस कर रहे हैं, 32 का खतियान लागू करने की बात कर दे रहे हैं, कर रहे हैं, बाधित कर देंगे। हिल नहीं पाइएगा हेमंत जी, जनभावना के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। हम तो बोल रहे हैं ना कि वो लोग बोलते हैं कि जितने ये आंदोलनकारी हैं बोलते हैं बिहारियों को क्या दिक्कत, हम काहे का बिहारी हैं? मेरा जन्म झारखंड में बीतता है, तो बिहारी आप भी हुए, आपका भी तो जन्म झारखंड में हुआ था, वो लोग भी तो बिहारी बिहारी मूल के हैं, उनका भी जन्म तो एकीकृत बिहार में हुआ था। तो जब वो अगर बिहारी, हम बिहारी हैं तो वो भी तो बिहारी हैं, क्योंकि उस समय तो झारखंड नहीं था, झारखंड गठन के बाद ना हम लोग झारखंडी कहलाए, तो जैसे वो झारखंडी हम भी झारखंडी हैं। तो उनका जन्म हुआ था तो वही तो बोल रहे, उसी समय तो मेरा भी जन्म रांची में हुआ था, तो वो झारखंडी कैसे हो गए, हम बिहारी कैसे हो गए? पहले वो तो ये जैसे आप देखिए, गुजरात में गुजराती बोला जाता है, उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है, बंगाल में बंगाली बोला जाता है,
तो पहले वो लोग आपस में मिल के तय कर लेंगे झारखंड की भाषा झारखंडी किसे कहा जाएगा, कुरमाली को कहा, करमाली को कहा जाएगा कि मुंडारी को कहा जाएगा कि खोरठा को कहा जाएगा, हो को कहा, झारखंड की भाषा कौन, कोई एक भाषा तो तय करें। वो तो पहले तय करें कि उनकी भाषा कौन सी है। वो हमारे भोजपुरी का विरोध कर रहे हैं, बोलते हैं कि बिहारी मूल के लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। भैया जब आप भोजपुरी का विरोध कीजिए तो हम तो आपका विरोध करेंगे ही, हम तो 32 का विरोध करेंगे ही, क्या मेरा जन्म तो आज़ाद भारत में हुआ था, 32 की बात करें देश आज़ाद 47 में हुआ था, हमारा जन्म आज़ाद भारत में हुआ था। सबसे पहले तो माँ भारती के सबूत है ना, हम माँ उन लोगों के मुँह में क्यों नहीं निकल रहा है कि उर्दू को पूरे देश में पूरे राज्य में राजभाषा की दर्जा दे दिया गया, हिंदी को नहीं दिया गया। उन लोगों के मुँह से ये निकलना चाहिए कि उर्दू क्यों, उर्दू तो पाकिस्तान ने ना बनाना है, इसको सिर्फ वोट बैंक के चलते उर्दू को और ये दिया जा रहा है, और सिर्फ वोट बैंक के चलते 32 का खतियान का आग लगाया जा रहा है, और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अभी गांधीवादी तरीके से विरोध कर रहे हैं, और ज़रूरत पड़ी तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद बनने में तनिक भी देर नहीं लगाएंगे। झारखंड की आवाज़ YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।